स्वागत है आप सभी का विविध भारती की रंगोली में। स्वीकार कीजिए श्वेता तापड़िया और राहिल खान का नमस्कार। श्वेता जी, प्यार और मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें माशूक के लिए सब कुछ करने का मन करता है। हो भी क्यों ना राहिल, माशूक ही तो उसकी जिंदगी है, उसका करार है। और किसी ने मोहब्बत के बारे में ठीक ही कहा है कि मंजिलों की खबर खुदा जाने, मंजिलों की खबर खुदा जाने, इश्क है रहनुमा फकीरों का। वाह वाह। मतलब राहिल, मैं ये मान लूं कि आज हम इश्क, मोहब्बत, प्यार, इन्हीं सब चीजों की बातें करने वाले हैं? नहीं देखिए श्वेता, सिर्फ बातें तो नहीं बल्कि हम गाने भी सुनाने वाले हैं। बिल्कुल, पायल की झनकार भी कुछ यही समझा रही है। चुप के करता है इशारे चंदा सा सवार, क्या आ तो है सजनी, ले चलू नदिया के पार। तेरे बिन साजन लागे नदिया मिलते झुक गए क्यों नैन तेरे, झुके झुके नैना करते हैं, झुके झुके नैना करते हैं तुमसे इकरार। क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। आ तो है सजनी, ले चलू नदिया के पार। दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल, दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल, इन लहरों पर मन मेरा गया मचल मचल। एक बात कहता हूँ तुमसे, एक बात कहता हूँ तुमसे, ना करना इनकार। क्या आ तो है सजनी, ले चलू नदिया के पार। तेरे बिन Thank you.
अस्तारों की छाँव में चलते ही रहे, नाम तेरा ले लेकर गाए, नाम तेरा ले लेकर गाए धड़कन का हर तार। क्या तो ले चलूं तुम्हें नदियों पार? नदियों पार ले जाइएगा, मगर जो गीत हमें अपने दर्शकों को दिखाया है उस गीत के बारे में कुछ तो बताइए। जरूर। तो प्रफुल्ल देसाई के नाटक संस्कार लक्ष्मी पर आधारित ये फिल्म आरती, इसके प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जातिया जी और डायरेक्टर थे फनी मजुमदार। और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया था रोशन ने। और श्वेता, इस फिल्म के बारे में एक खास बात है, मैं बताऊं? चलिए आप ही बता दीजिए। इस फिल्म के लिए शशिकला जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बिल्कुल। और मीना कुमारी जी को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। आपने बात करी मीना कुमारी जी की, तो उसी साल साहब बीबी और गुलाम के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बिल्कुल राहिल, देखिये वीरा की व्यथा जिस तरीके से मीना कुमारी जी ने पर्दे पर साहब बीबी और गुलाम में दर्शाया है, उससे उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा। और आपने बात करी विरह की, तो देखिए मोहब्बत और प्यार में ना विरह और मिलन एक साथ चलते हैं, तो आइए हम और आप भी साथ चलते हैं। राहिल आपने सच कहा था, प्यार में विरह और मिलन साथ साथ चलते हैं। और फिर से कहूं क्या मैं लाजवाब? आप कहती रहेंगी क्योंकि कहानियां और हैं, लेकिन उससे पहले इस फिल्म का गाना आप सबके लिए, तो चलिए। सैया झूठों का बड़ा सर ताज निकला, सैया झूठों का बड़ा सर ताज निकला, मुझे छोड़ चला, मुख मोड़ चला, दिल तोड़ चला, बड़ा ठोके बाज निकला, सैया झूठों का बड़ा सर ताज निकला।
भरत व्यास का लिरिक्स और वसंत देसाई का म्यूजिक से सजे इस गाने को गानों का सरताज कहा जा सकता है। वाह वाह, लाजवाब है राहिल, कमाल का पिक्चराइजेशन है इस फिल्म का। बिल्कुल श्वेता, और इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा भी है, बताऊं? बताइए बताइए, नेकी और पूछ पूछ। जरूर, तो वी शांताराम जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उस फिल्म में वो एक्टर भी थे। उस वक्त बैल से लड़ाई का सीन शूट हो रहा था, उस लड़ाई में उनकी आंख पे चोट लग गई जिसकी वजह से लंबे अरसे तक उनको अपनी आंख पे पट्टी बांधनी पड़ी। क्या बात कर रहे हो राहिल। हाँ, वैसे ये फिल्म लाजवाब तो है लेकिन इस फिल्म से जुड़ी बातें भी लाजवाब है। बिल्कुल। तुम्हें पता है इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है और बर्लिन में इसे गोल्डन बियर अवार्ड भी मिला है। बिल्कुल, और हॉलीवुड में इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है जिसका नाम है गोल्डन ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड। तो राहिल, अब वापस लीक पर आ जाए। जरूर, मतलब प्यार मोहब्बत की बातें बातें नहीं, गाना। अगला गीत आप सभी के लिए। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। जब ये रुत मस्तानी आती है, जब ये रुत मस्तानी बनती है कोई ना कोई कहानी, बनती है कोई ना कोई कहानी। अब के बरस देखें बने क्या फसाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। जब जब फूल खिलेंगे बागों में, जब जब फूल खिलेंगे तब तब ये हर जाय मिलेंगे, तब तब ये हर जाय मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। राहिल,
ये फिल्म हाँ जब जब फूल के लिए है ना, मुझे पता है। मैं तो ये बता रही थी कि 1965 में बनी ये फिल्म सुपर डुपर हिट है और इस फिल्म का गाना भी। वैसे इस फिल्म से जुड़ी एक बात भी है, अगर तुम कहो तो बताऊं। बताइए। शशि कपूर जी और सूरज प्रकाश जी जो इसकी इस फिल्म के एक्टर और निर्देशक थे, उन दोनों के बीच में एक शर्त लगी थी। शर्त कैसी? शर्त ये थी कि शशि कपूर जी ने कहा था कि ये फिल्म 8 हफ्ते चलेगी और सूरज प्रकाश जी ने कहा था कि ये फिल्म 25 हफ्ते चलेगी। अच्छा, तो जीता कौन हारा कौन? दोनों। दोनों कैसे? दोनों ऐसे कि ना ये फिल्म 8 हफ्ते चली ना ही 25 हफ्ते, ये तो चली कुल 50 हफ्ते, यानी कि गोल्डन जुबली किया इस फिल्म ने। वा, वा, वा। और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी कल्याण जी। और इसी फिल्म के क्लाइमैक्स सीन के बारे में भी एक छोटी सी स्टोरी है श्वेता। अच्छा बताइए। तो जब शूटिंग हो रही थी मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर, तो सीन था ट्रेन का जहाँ पे शशि कपूर साहब को नंदा जी को ट्रेन में अंदर खींचना था। ओके। लेकिन गति अपने आप बढ़ गई। हाँ, हाँ। और वहां पे लोगों को लगा कि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ओ। लेकिन ना ही तो कोई दुर्घटना हुई और शशि कपूर साहब ने बखूबी निभाया इस रोल को। हाँ जी बिल्कुल। वैसे राहिल ये फिल्म काफी लोगों के लिए लकी साबित हुई है। तुम्हें पता है शशि कपूर जी को पहले इस फिल्म से पहले लोग उन्हें फ्लॉप हीरो मानते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद वो बन गए हिट हीरो। बिल्कुल। और इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड में भी उनके काफी सारे चाहने वाले हैं, जैसे कि लिबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, काफी सारे लोगों ने इस फिल्म को भी पसंद किया और उन्हें भी दिल से चाहा। बिल्कुल। अब जैसे दीवानगी की बात कर रहे हैं आप कि शशि कपूर के इतने सारे दीवाने फैंस हैं, तो उस दौर देवानंद जी के भी बहुत सारे दीवाने थे। भाई देवानंद जी का नाम आते ही दिल खुश हो जाता है। तो चलिए फिर देवानंद जी का एक गीत देख लेते हैं गाइड पिक्चर से। ये गाना राहिल, तुम्हें मालगुडी डेज वो सीरियल याद है? वो बचपन के किस्से। श्वेता हम यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, तुम बचपनों की बात कर रही हो। अच्छा चलो बताओ क्या बता रही थी। मैं ये बता रही हूँ कि जो मालगुडी डेज जिन्होंने लिखी है आर के नारायण जी ने, उन्होंने ही ये फिल्म गाइड भी लिखी है। क्या बात है। और अभी जो हमने गीत देखा उसे लिखा था शैलेंद्र जी ने और संगीत से सजाया सचिन देव बर्मन ने। बिल्कुल। और आपने बात की पिक्चर गाइड की, तो इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं श्वेता, जैसे की बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर और ना जाने कितने कितने। भाई देखिए ये तो हो गए हमारे देश के अवार्ड्स की बात। तुम्हें पता है इस फिल्म को 38 एकेडमिक फिल्म अवार्ड भी मिला, साथ ही इसे फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में एंट्री भी मिली है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और एक और चीज श्वेता के, चलो ये तो खैर फिल्म की बात होगी, लेकिन अभी हमारे श्रोता दर्शकों के लिए क्या है हमारे पास खजाने में? फकीरा फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए।
जिगर मुरादाबादी ने खूब ही लिखा है कि हमने सीने से लगाया दिल ना अपना बन सका, हमने सीने से लगाया दिल ना अपना बन सका, तुमने मुस्कुरा कर देख लिया दिल तुम्हारा हो गया। क्या बात है भाई, देखिए दिल की लगी भी गजब है, एक बार लग जाए तो सारी कायनात एक तरफ रह जाती है। बिल्कुल, और वैसे श्वेता मोहब्बत उम्र की मोहताज तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी मोहब्बत करने का ना एक अलग ही समय होता है। मैं समझ रही हूँ आप जवा दिलों की बात कर रहे हैं। हाँ सच कहा, उस दौर में नजारे अलग होते हैं, नजरे अलग होती है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। बचना ऐ हसीनो, लो मैं आ गया। ए बचना ऐ हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। ए बचना ऐ हसीनो, लो मैं आ गया। ए बचना ऐ हसीनो, लो मैं आ गया। रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा। ए बचना ऐ हसीनो, लो मैं आ गया। हो या बादशाह, आज तो सभी है मुझ पे फिदा। हे बचना ऐ हसीनो, लो मैं आ गया। महफिल में आज छाई है मेरी ही अदा। हे बचना ऐ हसीनो, लो मैं आ गया। नासिर हुसैन की म्यूजिकल हिट फिल्म हम किसी से कम नहीं, तुम्हें पता है राहिल, इस फिल्म में 15 गाने थे और सब यही कह रहे थे कि हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल, और इसी फिल्म का एक गाना क्या हुआ तेरा वादा, इस गाने में रफी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। भाई राहिल, क्या हुआ तेरा वादा, ये सारी बातें तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है। बेकरार करने वाला ही करार देता है, दर्द देने वाला ही दवा देता है। इसीलिए तो इश्क को कहते हैं कि जो गुड़ से मीठा है और इमली से खट्टा है। वैसे राहिल ये बात भी सच है कि किसी की दिल की धड़कन को सुनना और दिल की बात को समझना इतना आसान नहीं है। अब श्वेता आपने धड़कन की बात की है तो ये लीजिए अगला गाना। राहिल तो चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला गीत कौन सी फिल्म से है? भाई ये उस फिल्म से है जिसमें दो शेरों की दोस्ती दिखाई है। शेरों की दोस्ती? राहिल यहाँ हम फिल्म की बात कर रहे हैं, एक्टर्स की बात कर रहे हैं, शेर कहाँ से आ गए? अरे मेरा मतलब है कि इमली का बूटा बेरी का बेर। ओ ओ आप सौदागर फिल्म की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जिसमें राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब दोनों ही एक्टिंग के बादशाह थे। देखिए सच बात तो ये है कि इन लोगों ने फिल्में बहुत कम की, पर जितनी भी की सब एक से बढ़कर एक थी। बिल्कुल, और ये दोनों अपनी एक्टिंग अपनी अदायगी पे बहुत मेहनत करते थे श्वेता। यहाँ तक कि दिलीप कुमार साहब अपने चलने के ढंग से अपने बोलने के स्टाइल से स्क्रिप्ट देखते थे और फिर दोबारा लिखते थे। क्या बात कर रहे हो राहिल, ये सारी बातें तो सीखने वाली है। बिल्कुल ये बातें तो सीखने वाली है, लेकिन अगला गाना जो हम सुनने वाले हैं उस फिल्म से भी काफी सारी बातें सीखने मिलेंगी। तो चलिए
सीखने वाली बात। हाँ राहिल जी, सौदागर फिल्म से ना। हाँ, इस फिल्म से तो यही पता चलता है कि हर झगड़ा प्यार और प्रेम से खत्म हो जाता है। और रंगोली, मैं यहाँ पे प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूँ श्वेता, और तुम रंगोली खत्म करने की बात कर रही हो। बिल्कुल, अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलने की तमन्ना है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर। बिल्कुल, सुनाएंगे आपको ढेर सारे आजादी के गाने। तब तक स्वीकार कीजिए श्वेता तापड़िया और राहिल खान का नमस्कार। सतरंगी है ये अटखेली, रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली, रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों